कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश संकट का सामना कर रहा है। लोगों के पास आय अर्जित करने के सभी साधन बंद पड़ गए। ऐसे में खास तौर पर गरीब तबका, जो दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करता है, उनके सामने पेट पालना मानव चुनौती बन चुका है। संकट के इस दौर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर NSUI यूपी सेंट्रल के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान द्वारा लखनऊ में छात्र रसोई की शुरुआत की गई, जिसमें प्रतिदिन 500 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम को NSUI के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित किया जाएगा। ये कार्यक्रम कई सप्ताह लगातार चलेगा, जिससे जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। वहीं इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान का कहना है, इस महामारी में जो संभव है उतना करने की कोशिश लगातार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर NSUI यूपी सेंट्रल के साथियों ने लखनऊ पश्चिम विधानसभा के राजाजीपुरम में छात्र रसोई की शुरुआत की थी, जिसका आज 5वां दिन है। NSUI के साथी रोज जो मजदूर तबका है, जो इस विषम परिस्थिति में भोजन के लिए भटक रहा, NSUI के साथी उनको भोजन देने का कार्य कर रहे हैं। लगातार 500 लोगों को